हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे 11 और 12 फरवरी 2021 की। करंट अफेयर्स के साथ साथ उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के पॉइंट्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल ठीक आ रही होगी। जिन कॉपीज में आप लोग नोट्स बना रहे हो, 11 और 12 फरवरी की तारीख लिखकर आगे आप लोग नोट्स बनाने शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज फिफ्थ टू प्रोब। ये दुनिया का पांचवा देश बना है जिसने स्थापित कर दिया है अपने सैटेलाइट को होप इनटू मार्स ऑर्बिट, मंगल ग्रह के ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट होता है एक वो फिक्स रास्ता जो किसी ग्रह के आसे पासे होता है, जिसमें कोई सैटेलाइट, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है, जो घूमते हैं। ये पांचवा देश बना है संयुक्त राष्ट्र अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात। इससे पहले जो चार देश हैं जिन्होंने मंगल की कक्षा में अपने सैटेलाइट स्थापित किए हैं, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन रशिया, और इससे अलग यूरोपियन यूनियंस की तरफ से, और एक हमारा देश भारत। तो चार सैटेलाइट यहां से पहले जारी हो चुके हैं। अब पांचवा सैटेलाइट मार्स की कक्षा में स्थापित करने वाला जो देश है वो यूएई बना है। तो यूएई इसकी, जिसे हम लोग यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं, इसकी राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी जो है वो है अबू धाबी। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। सबसे बड़ा जो शहर है यूएई का, उसका नाम है दुबई। यूएई की ऑफिशियल भाषा इनके देश की वो है जी अरेबिक। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है मोहम्मद बिन राशिद है, बल्कि प्रेसिडेंट खलीफा बिन जैयद अल नहयान है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। और यहाँ की करेंसी का नाम है यूएई दिरहम, यूएई दिरहम, ये यहाँ की करेंसी है यूएई की। ठीक, तो यूएई दुनिया का पांचवा देश बना है जिन्होंने मंगल ग्रह की कक्षा के अंदर अपने सैटेलाइट को स्थापित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं जी हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ आप लोगों के सामने। तो विजयनगर, विजयनगर जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है 31वां जिला भारत के कौन से राज्य के, भारत के कौन से राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है विजयनगर को? राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। राइट आंसर है जी बी, दैट इज कॉल कर्नाटक। तो स्टूडेंट, कर्नाटक के बारे में हम लोग कुछ बातें जो है वो देख लेते हैं। कर्नाटक जिसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था, कर्नाटक जो है उसकी राजधानी हम लोग जानते हैं बेंगलोर है। टोटल 31 जिले हैं। गवर्नर का नाम वाजूभाई वाला है, वाजूभाई वाला, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है बी एस येदुरप्पा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है एट प्रेजेंट। ऑफिशियल जो भाषा है कर्नाटक की वो है कन्नड़, जिसे कन्नड़ा भी कहा जाता है, KANADA। तो विजयनगर 31वां जिला बन गया कौन से स्टेट का? वो है कर्नाटक स्टेट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच अमाउंट, कितना रुपया भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है ताकि वो परचेज कर सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को? तो टोटल 20,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये एक टूल होता है, जैसे क्वालिटेटिव टूल क्वांटिटेटिव टूल, दो तरह के टूल्स होते हैं।
ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 20,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत जो है वो परचेज करने जा रही है। ठीक, इस ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ये टूल्स क्या है, इनको आप लोग सेल्फ स्टडी में जरूर कवर अप करो। ये जब आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ोगे उसकी ये टर्म्स है। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात तो आप इसके बारे में ये बताया करो कि ये भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। पूरे भारत के अंदर जितने सरकारी, प्राइवेट, विदेशी, कोऑपरेटिव, ग्रामीण बैंक है, सबको कंट्रोल करता है, सबको रेगुलेट करता है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इस बैंक का गठन हुआ था और 1 जनवरी 1949 के अंदर ये बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड हो गया था, पूरे देश में नेशनलाइज्ड हो गया था। आज जो इसके गवर्नर है उनका नाम शक्ति कांता दास है। शक्ति कांता दास इसके गवर्नर है और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द जीडीपी एस्टीमेट, व्हाट इज द जीडीपी एस्टीमेट प्रेडिक्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर फिजिकल ईयर 2021, 2020 से लेकर 2021 तक का जो हमारा साल है इसमें भारत की विकास दर कितनी प्रोडक्ट की गई है। सॉरी, ये पिछले साल की नहीं, ये फिजिकल ईयर 2021 है जो इस साल हमारा स्टार्ट होएगा अभी 1 मार्च से 2022 तक, मतलब आने वाला ये जो साल है हमारा फाइनेंशियल ईयर, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की विकास दर को -7% प्रोडिक्ट किया है। कितना? -7%। राइट आंसर इसका आएगा डी, कि भारत की विकास दर इस साल -7% रहेगी, ऐसा कहना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सरकारी बैंक है। 1 जुलाई 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो भी जो है मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो मुंबई के अंदर है और इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार है, दिनेश कुमार खैरा इनका पूरा नाम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय मल्टीनेशनल बैंक है जो भारत को छोड़ के दुनिया के और भी कई देशों में इसकी ब्रांचेज हैं। ये सरकारी बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दुनिया में 43वें नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, 23% मार्केट के शेयर बैंकिंग के इसके पास है। भारत में जितने भी तरह के लोन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 25% लोन सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने, वो कौन सा पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने एक एमओयू साइन किया है एक्सिस बैंक के साथ ताकि यूपीआई मल्टी मॉडल के ऊपर काम किया जा सके, अपने जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है उसके आधार के ऊपर बैंकिंग सिस्टम को लाया जाए। तो ऐसा गठबंधन, ऐसा एमओयू एक्सिस बैंक के साथ किया है फोन पे कंपनी ने। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, दैट इज फोन पे। एक्सिस बैंक भारत के टॉप 4 प्राइवेट बैंकों में से एक है। पहला है HDFC, दूसरा है ICICI, तीसरे और चौथे के ऊपर एक्सिस बैंक और यस बैंक आते हैं। 1993 के अंदर एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। अमिताभ चौधरी इसके MD हैं, अमिताभ चौधरी इसके MD है और मुंबई के अंदर इस बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन आपके सामने, विच कंट्री लीडर हैज इनॉगरेटेड, दुनिया के वो कौन से देश के लीडर है जिन्होंने उद्घाटन कर दिया है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का। वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट, सस्टेनेबल समिट मतलब पूरी दुनिया निरंतर विकास की तरफ चलती रहे, इसके विकास में कहीं कोई ब्रेक ना लगे, लगातार चलने वाला विकास हो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है
जो कि 20वीं बार दुनिया में ऑर्गेनाइज हुई है और इसका इन्होंने उद्घाटन किया है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत का, जिसको TERI कहा जाता है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, वर्ल्ड लीडर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है। किस तरह से पूरी दुनिया का विकास निरंतर चलता रहे उसके ऊपर बातचीत जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट सातवीं न्यूज देखते हैं, वो कौन सा दिन है जो ऑब्जर्व किया जाता है अंतरराष्ट्रीय दिवस महिलाओं और गर्ल्स के लिए विज्ञान के अंदर। विज्ञान के अंदर भागीदारी होनी चाहिए महिलाओं की भी और लड़कियों की भी, इस बात की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए 11 फरवरी पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। आठवीं न्यूज, वर्ल्ड यूनानी डे। वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूनानी डे भी 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन हकीम अजमल खान का जन्मदिन है। हकीम अजमल खान कौन थे? ये बहुत ही एमिनेंट इंडियन थे, बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय थे, जिन्होंने यूनानी टेक्निक को बढ़ावा दिया। जिस तरह से एलोपैथी से अलग इंसान के शरीर का इलाज आयुर्वेदा करता है, योगा करता है, होम्योपैथी करती है, उसी प्रकार जो है यूनानी भी एक भारत की सैकड़ों साल पुरानी टेक्निक है, जिससे इंसान की बॉडी को, शरीर को ठीक किया जा सकता है और बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। पहली बार 2017 के अंदर ये दिन जो है मनाया गया था। नाइन्थ न्यूज देखते हैं, विच एयरपोर्ट इन इंडिया, भारत का वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसने ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड को जीता है। तो इस अवार्ड को जीतने वाला जो एयरपोर्ट है वो बेंगलोर का एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है जी? वो एयरपोर्ट जो है वो बेंगलोर का एयरपोर्ट है, ये हमने ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत की सबसे सुप्रीम बॉडी कौन सी है जो भारत में एयरपोर्ट्स को बनाती है, एयरपोर्ट्स की मुरम्मत करती है, एयरपोर्ट्स का रख रखाव करती है, तो आपके ध्यान में आना चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप लोग इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो जरूर लिखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी बॉडी है, सिविल एविएशन मंत्रालय के अंडर आती है, जिसका काम है क्रिएट करना, अपग्रेड करना, मेंटेन करना और मैनेज करना सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के अंदर। 1 अप्रैल 1995 के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अनुज अग्रवाल। तो ये तीन बातें आप लोग याद रखना, गठन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके चेयरमैन कौन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है। दसवीं खबर आपके सामने, वो भारत की कौन से स्टेट की पुलिस है जिसने एक MOU को साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ई चलान के लिए। ई चलान, अब इस स्टेट के अंदर जो चलान है वो इलेक्ट्रॉनिक तौर के ऊपर कटेगा और ये मेघालय की स्टेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इस MOU को साइन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, मेघालय, मेघालय बादलों के घरों को ही मेघालय कहा जाता है। 21 जनवरी सन 1972 ईस्वी में इस स्टेट का गठन हुआ, हमने इसको एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज किया। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर दोनों ही शिलोंग है, मेघालय की राजधानी भी शिलोंग है, मेघालय का सबसे बड़ा शहर भी शिलोंग है। जिस तरह से पंजाब में 22 जिले हैं, मेघालय में कुल टोटल 11 जिले हैं। यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक
और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कुनार्ड सगमा। क्या नाम है जी? कुनार्ड सगमा। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मनशिंग्राम और चिरापुंजी जहां होती है वो दोनों लोकेशंस भी मेघालय में ही है। साक्षरता दर लगभग 76%, इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट 11वीं खबर के ऊपर बढ़ते हैं, हमारी 11th न्यूज आपके सामने। 11वीं खबर है कि विच बैंक इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 8 तारीख से लेकर 12 तारीख, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 दिन जो है भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के रूप से बनाए जाएंगे, ऐसा डिक्लेयर किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जगह जगह लोगों को अवेयर किया जाएगा कि बैंकिंग सर्विसेज क्या है, बैंकिंग के साथ जुड़ने के क्या फायदे हैं, बैंकिंग से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, बैंकिंग के साथ जुड़कर आप किस तरह से अपना और समाज और देश का विकास कर सकते हो, इसको लेकर पूरी जागरूकता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारत के अंदर फैलाई जाएगी 8 से लेकर 12 तारीख तक। 12वीं खबर है कि भारतीय नेवी, इंडियन नेवी ने अंडरटेक की है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है ट्रोपैक्स, और आपने ध्यान रखना है ये किसी दूसरे देश के साथ हमने इस एक्सरसाइज को नहीं किया है, ये जो एक्सरसाइज है ये भारतीय नेवी ने ही की है, जिसमें भारतीय नेवी के मल्टी लेवल के जो वार क्राफ्ट जो है, वार एयरक्राफ्ट जो है, सब मरीन्स हैं, जो पनडुब्बियां हैं, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, और इसका जो अल्टीमेट मकसद है वो भारतीय नेवी को तैयार रखना है ताकि किसी भी तरह के थ्रेट से भारत को जो है वो बचाया जा सके इन फ्यूचर। तो ये एक लार्जेस्ट, एक तरह की आप कह सकते हो लार्जेस्ट वार गेम, तो इंडियन नेवी लार्जेस्ट वार गेम, और ये जो है भारत के अंदर सक्सेसफुली जो है इसको हेल्ड किया गया है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आएगा जी, और इसको कहाँ किया गया है? हिंद महासागर। तो राइट आंसर 12वें का बी, हिंद महासागर। लास्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड द बुक, इस किताब की लॉन्चिंग किसने की? टर्न अराउंड इंडिया 2020, सरमाउंटिंग पास्ट लेजेंसी। इस किताब को जुअल ओराम, ये भारत के पहले ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे, इनके द्वारा इस जो है किताब को लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस किताब को लिखने वाले, जो व्यक्ति है उनका नाम R.P. गुप्ता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक, 2 खबरें मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, उसके क्वेश्चंस नहीं बनाए मैंने, पर आप लोग अपने कॉपियों के अंदर नोट डाउन करो। 14th न्यूज इस दिन की थी कि भारत सरकार द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है, भारत सरकार द्वारा एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, www.theindiabyfair.in। एक खिलौनों को लेकर एक बहुत बड़ा मेला भारत में 2021 का जो होगा उसको लेकर इस वेबसाइट को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और 15वीं और लास्ट न्यूज ये है, ऑस्ट्रेलिया के एक फोटोग्राफर है जिनका नाम है रॉबर्ट इरविन, ये ऑस्ट्रेलिया के एक फोटोग्राफर है जिन्होंने जीत लिया है, जिन्होंने वॉन किया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का सबसे बड़ा अवार्ड इस बार ऑस्ट्रेलिया के इस फोटोग्राफर द्वारा जो है वो जीता गया है। तो ये सारी खबरें थी जी हमारी 11 और 12 फरवरी की, 13, 14 और 15 फरवरी के साथ अगली वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे। स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच, बाय।